गिनते समझ गए, उंगली पे बांध के दर दना दन दर दना दन दर दना दन। समझ में क्या बोलते हैं इसको, वही बोलते हैं ना काउंट करने वाला, काउंटर एनकाउंटर नहीं काउंटर। तो एक तो इसके बारे में बोलना है, तो इसके बारे में तो बाद में ही बोले, नहीं इसके बारे में अभी बोल देते हैं और फिर हम बाद में आपको बताएंगे कि बहुत से लोग अनजाने में, ये देखो बहुत से लोग अनजाने में शिवजी पर वो सामग्री भी चढ़ा रहे हैं जो नहीं चढ़ानी चाहिए। आज तो अति हो गई कथा, जब आए यहाँ पे प्रारंभ में तो आज हम भी चले गए थे आप सबके मध्य में पर एक पार्थिव शिवलिंग बनाने निर्माण करने, तो कई महानुभाव मुंह में कुछ दबा कर चबाते हुए शिवलिंग बना रहे थे, पार्थिव शिवलिंग बना रहे थे, हमने उनको रोक दिया। खैर वो उठ के चले भी गए और फिर वो कुल्ला करके वापस आए होंगे शायद से, पर इतना ध्यान तो भगवान की सेवा में हमको रखना ही चाहिए। पूजा के समय, कथा श्रवण के समय, पार्थिव शिवलिंग निर्माण के समय हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। मैं तो इतना कहूंगा कि पार्थिव शिवलिंग निर्माण के समय हमें वार्तालाप भी नहीं करनी चाहिए और उससे बड़ी बात नाम जाप भी नहीं करना चाहिए। बाबा उस समय मन ही मन में जाप करना चाहिए, आपके अधर्म न चले, जुबान न चले, क्योंकि अगर आप जिज्ञासा से बोलते हुए पहले आ रहा होता है तो नहीं होगा। जो जाप करते मुंह से बोल के कीर्तन भी करते तो मुंह से कुछ तो कण गिरेगा और वो शिव जी के ऊपर ही गिर जाएगा, तो मुश्किल होगा कि नहीं, झूठा हो गया, भगवान पे आप आपका थूक चढ़ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जाप भी जो करें, नाम जाप करें, तो नाम जाप करते समय अभी भी इस बात का ध्यान रखें कि मन ही मन में जाप चले। जाप करना चाहिए, शिव जी का नाम जपना चाहिए मन ही मन, और ये हैबिट अच्छी है। मन का जाप बहुत बहुत शक्तिशाली होता है, जिव्या के जाप से मन का जाप कई गुना ज्यादा। जिव्या का जाप होता ही इसलिए है कि मन के जाप को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। ये प्रैक्टिस है समझो, ये जो आम दिखाते हैं ना, ए फोर आम क्यों दिखाते हैं, जिससे बच्चा खाने की चीज को देख के समझ जाता है कि खाने का लफड़ा है कुछ, तो वैसे ही मुंह से बोलने का थोड़ा दिखाते हैं, लेकिन इसका फल है आप इंटरनली इसका जाप करें। तो शिव जी का पार्थिव शिवलिंग निर्माण सभी लोग कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, छुट्टी जिस दिन होती है उस दिन ज्यादा आ जाते हैं और बाकी का काम धंधे भी देखने होते हैं कईयों को, और कई लोग काम धंधे को गुड बाय करके बैठे हैं, बोले हम कहीं नहीं जा रहे, यहीं बैठे हैं, जो कुछ होगा यही सबसे बड़ा काम है। और सच में ये सबसे बड़ा काम है, जिन्होंने इस चीज को समझ लिया कि सबसे बड़ा काम है उनका कल्याण निश्चित है राधे राधे। अब इस विषय पे आ जाते हैं, ये जो काउंटर है आजकल तमाम वैष्णव इसे अपनी उंगली पे बांध रहे हैं और माला तुलसी की छोड़ रहे हैं। सबसे पहले अगर आप वैष्णव हो तो तुलसी का महत्व तो क्या है, उस महत्व को भूल जाओगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपको नंबर बता सकता है कि आपने कितनी बार नाम ले लिया, इससे आप 1,00,000 बार कितना इस काउंटर से काउंट करके 1,00,000 बार भगवान का नाम जपोगे उसका जो फल है
वो तुलसी की माला से मात्र 108 बार नाम जप लोगे उससे भी ज्यादा फल उसका। तो काहे माता पच्ची कर रहे हो भाई इसमें, दंतनादन है समझो, जैसे भगवान ने सजा दी, अगर इतना नाम नहीं निकला हम तुम्हारा गला काट दें। आप ये कर रहे हो, आने वाले बच्चे वो भी नहीं करेंगे। भगवान के भजन में, भगवान की कथा में, वेद शास्त्रों के नियम में कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। इनमें शॉर्टकट मत अपनाओ। तुलसी का महत्व जानते भी हो? तुलसी माला का कितना महत्व है, रुद्राक्ष का कितना महत्व है, ये टाइम पास मत रखो। भगवान से टाइम पास के लिए नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। 1000 नाम जप लेंगे गिन के तभी आप हमें मिलोगे। भगवान कहते एक नाम बुला ले मुझे, एक दिल से हो, एक नाम तार देगा तुझे। फिर मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, ये जो कंपनी ने बनाया होगा एनकाउंटर, वो शायद पता नहीं किस उद्देश्य से बनाया होगा, लेकिन एक बात तो है, ये एनकाउंटर ही है, तुलसी छुड़वा देगा आपसे। ये तुलसी आपके हाथ में नहीं रहने देगा, माला जपने वाली हाथ में नहीं रहने देगा। तमाम साधु देखे होंगे आपने माला जाप करते हुए निकलते हैं तुलसी का माला लेकर। तो उन साधुओं से सीखिए, मॉडर्न लोगों से बचिए, ये मॉडर्न लोगों का तरीका है। इस तरीके को जबरदस्त अपनाने का, मैं अभी आज हमारा एक चेला लाया, गुरु जी हाथ लगा दो, हमने काय को लगाया, क्या करोगे इसे, बोले इसे जाप करेंगे। मैंने आज इसी पे बोले, उठा लाया हम उसका, मैंने इधर ला। अब वो सोच रहा होगा अच्छा लाए, 200-400 रुपए का तो आया ही होगा, ये कितने का आया है, कितने का, 30 रुपए का। अच्छा फिर तो ठीक है, 30 रुपए में बहुत लोगों को छूट जाएगा आज के बाद। ये जो लोग सुन लेंगे, जो सच्चे वैष्णव होंगे, आज के बाद ऐसे जाप नहीं करेंगे। एक दो बार हमें भी पकड़ा दिया था किसी ने, हमने सोचा कुछ नया फैशन होगा कुछ, हम लगे, हम भी तीन चार दिन लगा हमको, हमने कही इसका साइड इफेक्ट क्या है, तुलसी की माला जो हमारी जेब में रहती है हट गई, इसी के लगे रहे हैं। बात भूत पिशाच निकट में आवे महावीर जब नाम सुना, बात तुम्हारा वाला बात गया बेकार चीज। तुम लोग, तुम तुलसी, अरे मेरे पास तुलसी रहेगी, कम से कम स्पर्श रहेगा तुलसी का, और इसको साथ में रखने से प्लास्टिक का स्पर्श होगा भाई, क्या फायदा प्लास्टिक का स्पर्श करने, कौन से लोक में जाऊंगा। अरे माला करते करते ऐसे तुलसी हाथ में और सियावर कृष्ण राम जय क्या राम नाम सत्य हो जाए, सीधे वैकुंठ। और जे हाथ में हो जो कर रहे हो और नाम निकल रहे नहीं और जमुना दिख जाए जो 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 आगो 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 प्लास्टिक चुना, ये हाथ में होगी, हाथ में रहने से आंख नहीं बता सकते यमराज के दूध भैया, सुरक्षा कवच है ये, माला नहीं है ये, तुलसी की माला नहीं है, सुरक्षा कवच है। इसलिए वो हम उसका विरोध नहीं कर रहे, आपको अच्छा लगे तो वो रखिएगा, लेकिन अगर हमारा विचार मानोगे तो हम तो यही कहेंगे तुलसी कृष्ण वल्लभा, तुलसी कृष्ण को प्रिय लगने वाली है, इसलिए इसी को साथ में रख लो। हमने तो रख लिया, मुनि तुम्हारी तुम जानो भैया, ब्रजवासी आदमी गलत होते हुए देख नहीं सकते, उसके बाद भी करो तो तुम्हारे अपने वो क्या सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। हमने कंठी दे दी है, पहनो न पहनो तुम्हारी मर्जी, तुम खुद जिम्मेदार हो उसके, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो ये तो हो गया आज का कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट।